हम एक कहानी बना रहे हैं। इसका है काम है वादा का पूरा करना। कहानी का शीर्षक क्या है? वादा पूरा करना। एक समय की बात है, श्यामली नाम की गाय थी। जंगल में प्रायः चरने जाती थी हरी हरी घास। एक दिन सोचा कि और दूर चली जाऊं और हरी हरी घास चर कर खूब आऊंगी। गाय चरने के लिए श्यामली गाय जाती है। फील्ड बहुत बड़ा था, हरा भरा था, खूब आनंद पूर्वक खाई और कहे कि अब जो है घर पर चलना है, घर पर चलती हूँ। शाम होने को हो गया, धीरे घर वापस आ रही थी, रास्ते में शेर मिल गया। शेर भूखा था और कहा कि आज गाय मिली है, आज इसे मैं खाऊंगा। अब गाय का एक छोटा बच्चा था, उसको दूध पिलाना था। गाय कहती है शेर का कारण मैं खाऊंगा, आप जाने दूंगा। गाय कहती है शेर महाराज, हमको आप 5 मिनट का समय दीजिए, हम जाए अपने बच्चे को दूध पिला करके आए और आप फिर मैं आ जाऊंगी, आप मुझे खा लीजिएगा। शेर ने कहा बहुत चालाक हो तुम, मैं इधर छोड़ दू और भूखा रहा हूं, पता नहीं तुम आओ कि ना आओ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस जो है चिल्लाई, विनती की, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। शेर को थोड़ा दया आ गया, कहा ठीक है जल्दी जाओ, अपने बच्चे को दूध दूध पिला करके जल्दी आ जाओ। क्या हुआ, शेर इतना कहते ही गाय चलती हुई दौड़ती हुई आई और रास्ते में रोती रही। क्यों रोती रही? कि मुझे शेर खा लेगा तो मेरे बच्चों क्या होगा, कौन पालन पोषण करेगा, छोटा बच्चा भी है। ये कहते हुए जब गाय अपने घर पहुंचती है तो गाय कहती है अपने बच्चे से, बच्चा आओ मैं दूध पी लो। तो देखता है गाय की बच्चा जो है कि माँ के आंख में आंसू है, बारा है। तो पूछता है माँ, माँ क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है मुझे बताइए। माँ ने कहा कुछ नहीं बेटा, जल्दी दूध पी लो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है माँ मुझे बताओ, मैं भी चलूंगा। कहीं नहीं बेटा तुम नहीं रहो, तुमको नहीं जाना है। नहीं नहीं माँ मुझे बताओ कहाँ चलना है, मैं भी चलूंगा। आप रो रही हैं, आपकी आंख में आंसू है क्या? तब गाय ने अपनी बात बताई, बेटा देखो मेरी जल्दी जल्दी दूध पी लो और मुझे शेर के पास जाना है। यदि मैं शेर के पास नहीं जाऊंगी तो लोग झूठा कहेंगे। तो शेर ने कहा, तो गाय के बच्चे ने कहा, तो माँ मैं भी चलूंगा। कहीं नहीं मैं भी चलूंगा आपके साथ, देखता हूँ कैसे खाता है, ये पहले खाएगा तब खाएगा। गया शेर और के पास जो है गाय और बच्चा उसका, गया शेर देखा पसंद हो गया, अरे वाह एक गाय भी आया और एक बच्चा भी आ गया, घोड़ा भी आ गया, बड़ा आनंद आएगा। तब वो कहता है कौन बछड़ा आगे, शेर महाराज नमस्कार, आप मुझे खा लीजिए, मेरी माँ को छोड़ दीजिए। शेर ने कहा क्यों, तुम्हारे खाने से पेट नहीं भरेगा, मुझे तुम्हारी माँ को खाना है। महाराज क्षमा करिएगा, मुझे खा लीजिए, उसके बाद मेरी माँ को खा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा। शेर को दया आ गई और कहा था ठीक है मैं छोड़ देता हूँ तुम लोगों को, और जो है गाय को उसने क्या किया, छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद गाय को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो गाय अपने समय से आ गई। इसलिए प्रिय भैया बहनों, हमें भी अपने जो कार्य करते हैं, वादा करते हैं, उसे क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। थैंक यू।